आरबीआई ने 2000 की नोट वापस लेने का जो निर्णय किया है, ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए। लेकिन इसमें दो कमियां हैं। पहला, इसमें नोट बदलने का ऑप्शन दे दिया है। पिछली बार भी नोट बदलने का ऑप्शन दिया था, इसलिए नोटबंदी नोट बदली हो गई, सब ने अपना अपना नोट बदल लिया था। बैंक के अधिकारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने 20% कमीशन लिया और सारा का सारा नोट बदल दिया। जब भारत में 50 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं और परिवार मात्र 30 करोड़ है, भारत में 30 करोड़ परिवार हैं, 50 करोड़ बैंक खाते हैं, इसका मतलब हर परिवार में एक बैंक खाता खुल चुका है, जनधन खाते से सब कनेक्ट हो चुके हैं, गरीब भी कनेक्ट हो चुके हैं। फिर ये नोट बदली का ऑप्शन क्यों? जब हर परिवार में एक बैंक खाता है तो अगर किसी परिवार में 10, 20, 50 नोट होगी 2000 की, वो अपने खाते में जमा कर लेगा। ये बैंक को क्यों ये छूट दे दी गई कि नहीं वो नोट बदल सके? इस नोट बदली में फिर 20% वाला खेल होगा। बैंक के अधिकारी और बैंक के कर्मचारी 20% कमीशन लेंगे और फिर वो जो 2000 की नोट ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुकी फिर से उसको व्हाइट कर देंगे। इसलिए मैं तत्काल निवेदन करता हूं, आरबीआई से निवेदन करता हूं, वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, इस नोट बदली को रोकिए। नोट बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जिसके पास 2000 की नोट है अपने जाके वो बैंक के खाते में जमा करे। ये नोट बदलने का ऑप्शन क्यों दे दिया बैंक के कर्मचारियों को, फिर वही खेला करने के लिए? और दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10-26, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 और सब क्लास 26, जिसको हम लोग धारा 10-26 कहते हैं, उसके कारण त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के आदिवासियों को टैक्स से छूट मिली हुई है। पिछली बार भी यही हुआ था कि पूरे देश के लोगों ने जो काले कुबेर थे उन्होंने अपना पैसा चार्टर्ड प्लेन से ले गए पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट ले गए, और इन 6 राज्यों में जहां की ट्राइबल्स को इनकम टैक्स से कोई पूरी तरीके से छूट मिली हुई है, उन्होंने उनके खाते में पैसा जमा किया। और इस धारा 10-26 का नतीजा है कि पूरे देश के अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, मजहबी उन्माद कर फैलाने वाले, अलगाव आतंकवाद कर फैलाने वाले, नक्सली, माओवादी और सफेद पोश नेता और नौकरशाह, ये सारा का सारा अपना ब्लैक मनी पूर्वोत्तर ले जाते हैं, त्रिपुरा में खपाते हैं, नागालैंड में खपाते हैं, मिजोरम में खपाते हैं, मेघालय में खपाते हैं, क्योंकि उन 6 राज्यों में इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। नतीजा यह है कि वहां के आदिवासी पेट्रोल पंप के मालिक हैं, शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, गैस एजेंसी के मालिक हैं, गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम हैं उनके, हॉस्पिटल के मालिक हैं। असली मालिक सफेदपोश नेता और नौकरशाह हैं, असली मालिक अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, मिशनरी हैं, कट्टरपंथी हैं, काले कुबेर हैं, लेकिन नाम के लिए वो जो 6 राज्यों के आदिवासी उनका उपयोग करते हैं, उनको कुछ महीने में दे देते हैं, 10-20-50,000 रुपए उनको दे देते हैं। इस खेल को रोकना होगा। पिछली बार मीडिया में प्रकाशित हो चुका है, मैंने भी ट्वीट किया है कि बाकायदा चार्टर्ड प्लेन से पैसे बिहार से, बंगाल से, हरियाणा से, चार्टर्ड प्लेन से कैश भर भर के नॉर्थ ईस्ट गया और ट्राइबल्स के अकाउंट में जमा कर दिया गया। चूंकि ट्राइबल्स को 1 रुपए इनकम टैक्स देना नहीं है, उनको ITR फाइल ही नहीं करना है, छूट मिली हुई है इनकम टैक्स की धारा 10-26 के कारण, तो सारा पैसा सफेद हो गया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल इनकम टैक्स की धारा 10-26 को खत्म करें। तो RBI ये जो कैश बदलने का ऑप्शन दिया है इसको रोके और सरकार तत्काल इनकम टैक्स की धारा 10-26 खत्म करे, नहीं तो पिछली बार की तरीके इस बार भी फिर वही खेल होगा। जो बड़े बड़े लॉकर में पैसे जमा हुए हैं, 2000 की नोट जमा है, जो लोगों ने बड़े बड़े अपने बेड में छिपा रखे हैं करोड़ रुपए,
नेताओं नौकरशाहों ने जो 2000 के नोट को पूरा तरीके से बंद कर रखा है अपने घर में, अपनी कोठरियों में, अलगाववादियों ने जो 2000 के नोट पूरा छिपा रखा है, माओवादियों ने, कट्टरपंथियों ने, जिहादियों ने जो छिपा रखा है, वो सारा पैसा या तो उन 6 राज्यों जो पूर्वोत्तर के 6 राज्य हैं उनके थ्रू व्हाइट कर लेंगे, और नहीं तो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को 20% कमीशन दे के सारा व्हाइट कर लेंगे। फिर वो जैसे पिछली बार मामला गड़बड़ हुआ था, फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल आरबीआई अपना जो गाइडलाइन है उसको ठीक करे और नोट बदलने का बिल्कुल ऑप्शन बंद करे। जिनके पास 2000 की नोट है, स्वाभाविक सी बात है गरीबों के पास तो 2000 की नोट होती नहीं है, और अब तो गरीबों का भी बैंक खाता खुल चुका है, तो सब लोग अपने अपने बैंक खाता में जमा करें। ये वहां पे काउंटर पे जाके जो बदलने का ऑप्शन दिया इसको बंद करें। दूसरा, सरकार तत्काल यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के आदिवासियों को छूट दिया है, उनके बदले लोग सफेद काले कुबेर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं उस छूट को देने का। और छूटी देना है तो पूरे देश के आदिवासियों को दीजिए। भाई झारखंड के आदिवासियों क्यों नहीं छूट मिलना चाहिए, बिहार के आदिवासियों को छूट क्यों नहीं मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को क्यों नहीं छूट मिलना चाहिए? आदिवासी तो हर राज्य में, महाराष्ट्र में आदिवासी रहते हैं, गुजरात में भी आदिवासी रहते हैं, उनके उनको क्यों नहीं छूट मिलना चाहिए? केवल पूर्वोत्तर के ही 6 राज्यों के आदिवासियों क्यों छूट मिलना चाहिए? ये पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 10-26 को वापस ले लेगी, और नहीं लेगी तो मैं इसके खिलाफ PIL फाइल करूंगा।